स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के चैलेंज ऑफ द वीक सीरीज में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी, स्टार्टिंग टू द एंड देखिएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि हमारी टीम नमस्ते इंग्लिश की ओर से अनलिमिटेड अकाउंट पे आप लोगों को भारी छूट दिया जा रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट जहां पे आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो प्रैक्टिस करके, बोल बोल कर, बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के। अपने आप में एक यूनिक फीचर है, तो जल्दी से सारे फीचर्स जो है अनलॉक कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। चलिए अब आ जाते हैं अपनी काम की बात पे। तो लास्ट वीक का क्वेश्चन क्या था पहले वो देख लेते हैं, उसे करेक्ट कर लेते हैं। लास्ट वीक का क्वेश्चन था आपका ईच वन ऑफ यू आर अ गुड पर्सन। अब यहाँ पे जो आप देखोगे एरर कहाँ पे है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए था ईच वन ऑफ यू इज अ गुड पर्सन, ना कि आर अ गुड पर्सन। अब ऐसा क्यों? आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल यूज होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो ये एक रूल है और ये एक जो है एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। तो अगर हम इसको वायलेट करते हैं तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, या जो भी हम बोलेंगे सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ईच यानी कि प्रत्येक, जब हम बात करते हैं प्रत्येक यानी कि हर एक बच्चा, हर एक आदमी, तो हर एक मतलब किसी सिंगुलर की जो है हम बात कर रहे हैं, सिंगुलर एंटिटी की। तो जब सिंगुलर है तो आर का क्या काम, क्योंकि आर तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की तरह जो है काम करता है। तो इसीलिए ईच वन ऑफ यू इज अ गुड पर्सन करेक्ट आंसर है। अब इसको करेक्ट जो है जवाब देने वाले कई लोग थे, बट हमारी टीम ने सुब्रत कर्माकर जी को चुना है एज अ लकी विनर। तो आप बने हो हमारे लकी विनर। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, अगर आपको अपना प्राइज क्लेम करना है सबसे पहले डाउनलोड कीजिए हमारा नमस्ते इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से, उसके बाद आपको मेल करना है care@hinkhoj.com पे। अब आ जाते हैं अपने अंतिम पड़ाव पे इसी वीडियो के। तो अब सभी को इंतजार होगा इस वीक का क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताइए ताकि हम लोग सॉल्व करके बन जाएं लकी विनर। तो इस वीक का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, आई हैव 10 रुपी, आई हैव 10 रुपी। अब आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है, तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ पे एरर है या एरर नहीं है, ये भी बता सकते हो आप, अगर लगता है आपको कि नहीं एरर तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी टीम एक लकी विनर को वहां से चुनेगी और वो बनेगी हमारी लकी विनर नेक्स्ट वीडियो में। तो इंतजार रहेगा आप सभी का, तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और भूलिए मत, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए जो है ऑफर दिया जा रहा है अनलिमिटेड अकाउंट का, तो ज्वाइन करना मत भूलिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपनी अंग्रेजी सीखने की जर्नी में एक कदम आगे रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।